क्या हाल है दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो भाई इस चैनल पर काफ़ी बैटरी बैटरी इलेक्ट्रिसिटी ये बातें जो चल रही है, तो एक इलेक्ट्रिक फैन कहूँ या फिर ये बैटरी वाला फैन, मतलब काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये। और अभी आप ना देख सकते हो केशव भाई, एक बारी आप उधर दिखाओ, एसी चल रहा है बट यहाँ तक ना आसानी से हवा आ नहीं पा रही, ठीक है। और मतलब अच्छा खासा 24 के आसपास टेम्परेचर पे एसी चल रहा है और डे टन का एसी है, बट हवा ना अच्छे से सर्कुलेट हो नहीं पा रही है। तो एक फ़ैन है ये, पिगमी पर्सनल फ़ैन। तो वैसे तो मैंने इसको पर्सनली यूज़ भी करा है और काफ़ी अच्छे से ये काम करता है। मैं आपको इसमें एक बार दिखा देता हूँ। ये 850 के करीब का है, मतलब अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अभी थोड़ा प्राइस इसका बढ़ गया है, थोड़ा मतलब आप समझ सकते हो मार्केट की कंडीशंस। और बाकी आप मतलब इस फैन को देखो, कलर भी काफ़ी अच्छा है इसका। तो ये बजाज कंपनी का है और इसमें आपको 1 साल की वारंटी, मतलब मैंने मार्केट में ना और भी फैंस देखे थे बैटरी वाले, उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइक अच्छे तो थे, यूज़फुल थे, बट उनकी कुछ वारंटी नहीं थी। तो काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल रहता है कि कभी भी डेड हो गए तो पूरे ही 500-600 रुपये का भी आप लो तो वो डेड हो जाएंगे। तो ये बजाज का है आप देख सकते हो, और कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसमें ना आपको पीछे एक चार्जिंग के लिए V8 वाला सॉकेट मिल जाता है, माइक्रो USB जो कहते हैं आप, आपके किसी भी नॉर्मल फोन्स में जो USB होती है, और यहीं पर एक बटन दिया हुआ है। और जैसे ही मैं इसको एक बारी प्रेस करता हूँ तो एक नंबर पर आप देख सकते हो, आपको ये थोड़ा सा उड़ता हुआ दिखेगा। और इसी तूफान तूफान आ गया भाई। नहीं, अभी तूफान आना बाकी है। तो अभी मैं एक और बार प्रेस करूंगा तो ये थोड़ा सा और तेज उड़ रहा है, और मैं एक बारी और प्रेस कर देता हूँ थर्ड नंबर पर, तो आप देख सकते हो कि ये थोड़ी सी पॉलिथीन हिल रही है। तो ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है। अब मैं जैसे ही अपने सामने इसको रखता हूँ ना, और अब रूम में थोड़ा मतलब ठंडा सा तो है बट वो एग्जैक्टली मेरे फेस पर या फिर मेरी बॉडी की तरफ नहीं आ रही थी हवा। अब जैसे ही मैं इसको 1 पर भी चलाता हूँ जिसमें ये बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहा, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो भाई हवा सर्कुलेशन के लिए तो बहुत ही अच्छा है। भाई बटन बटन प्रेस करने से याद आया, सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस हाँ कर हाँ देना भाई, चाहिए। तो सब्सक्राइब का बटन भी दबाना मत भूलना, तो आपको ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो और मैं इसकी एक और अच्छी बात है, आप टेबल पर तो रख ही सकते हो इसको ऐसे, और ये 180 डिग्री आप रोटेट भी कर सकते हो इसको, तो ये काफी बढ़िया है। मतलब जैसे केशव भाई की गर्दन लड़के देखकर घूमती रहती है, तो ये भी फैन अपनी गर्दन ऐसे 180 डिग्री तक घुमा सकता है। केशव भाई शायद 180 ना बट पूरा घूम जाता है। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, फैन अभी चल ही रहा है, आप इसको ना कहीं पर भी, जैसे आपने किचन वगैरह में यूज करना है तो आप ऐसे क्लिप्स की तरह इसको यूज कर सकते हो, और कहीं पर भी रोटेट करो भाई, ये एक तरीके से 360 डिग्री है। पता नहीं बॉक्स पर 180 डिग्री क्यों लिखा हुआ है, बट आप देखो इस तरफ भी, इस तरफ भी, और इस तरफ भी, मतलब हर जगह से आप यूज कर सकते हो। तो काफी बढ़िया यूजफुल चीज है, किचन में लगाओ, आपकी कार में, जैसे एसी काम नहीं कर रहा। अभी जैसे मेरे को ऑफिस में ही काफी अच्छा लग रहा है। अब मतलब ये तो आपको लग रहा होगा कि मैं ऐड या फिर कुछ ब्रांड की तरफ से कर रहा हूँ, तो आप भाई केशव भाई टेबल पर दिखाओ जो मैं पर्सनली यूज भी कर रहा था। इसमें आप देख सकते हो कि दो दो कलर्स हैं, आपको जो भी कलर पसंद हो, मतलब ये थोड़ा सा लोगों को कम पसंद आ रहा है क्योंकि थोड़ा गंदा जल्दी हो जाता होगा या कुछ, और ये काफी अच्छा कलर लग रहा है, दोनों ही वैसे अच्छे हैं। ये व्हाइट स्मोक है और ये ब्लू कलर है, और अगर आपको पसंद हो तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से भी परचेज कर सकते हो। फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों पर अवेलेबल है। अभी अप्रोक्सीमेटली 1000 से लेकर 1200 के आसपास का इसका प्राइस है। काफी तारीफ हो गई है, तो एक बार अब इसके नेगेटिव की बात कर लेते हैं कि मतलब क्या क्या इसमें कमी भी हो सकती है। तो भाई ये प्लास्टिक का ही बना है तो इसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में कुछ कह नहीं सकते ऐसे, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड प्लास्टिक भी नहीं है। अब 800-900 की कॉस्टिंग में कंपनी क्या बनाएगी, तो इसकी मतलब प्लास्टिक के बारे में आप ड्यूरेबिलिटी की बात नहीं कर सकते। और मुझे लगता है थोड़ा जो घुमा घुमा के कर रहे हो आप, इससे भी खराब मामला हो सकता है। हाँ, तो ड्यूरेबिलिटी थोड़ा सा एक इश्यू हो सकता है। बट दूसरी बात, इसकी बैटरी कितनी चलती है तो एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपनी ने ऐसा क्लेम किया हुआ है तो ये 4 आवर्स का बैटरी बैकअप देती है, बट मैंने जब यूज करा है तो 3 आवर्स के अप्रोक्सी चलती है, वो भी सिर्फ 1 नंबर स्पीड पर। तो और इसको जैसी जैसी स्पीड बढ़ाते रहते हैं तो 2 आवर्स और 1.5 आवर्स ही चलती है अगर हम टॉप स्पीड पे यूज करते हैं, जो कि है 3rd नंबर पर, और जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम हो सकता है अगर आपका यूजेज थोड़ा ज्यादा है। बट एक वहीं पे फैक्टर काम आ जाएगा, जैसी आपकी बैटरी खत्म होती है तो आप वायर लगाकर तभी आप यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। नेगेटिव पॉइंट्स बताने भाई, नेगेटिव पॉइंट्स। तो भाई आप तो फिर तारीफ कर रहे हो, पॉजिटिव कंपनी ने पैसा के दे दिया भाई, आप तो बिक गए। तो इसमें ना आपको यूएसबी केबल भी मिल जाती है साथ में, आपको यूएसबी केबल मिल रही है सिर्फ,
बट आपको जो अडेप्टर है वो खुद ही अपना अटैच करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात है आप इसको अपने लैपटॉप्स वगैरह से भी कनेक्ट कर सकते हो। और हाँ, अगर आपकी बाय चांस बैटरी खत्म हो जाती है तो आप इसको प्लग करके डायरेक्टली प्लग करते हुए भी वायर से यूज कर सकते हो। आपको ये नहीं कि सिर्फ बैटरी में ही यूज करना पड़ेगा, एंड इसमें कोई सेल नहीं है, सीधा डायरेक्टली आपको चार्ज ही करना पड़ेगा इसको, या फिर प्लग करते ही यूज करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। और इतनी ही तारीफ थी इस वीडियो में।